राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूँ। तो हम सारे ने बेरा है कि भाई आरपीएफ के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी जो पुलिस वाली फोर्स है उसके अंदर भाई 10वीं पास 4660 कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए भाई नर और मादाओं दोनों प्रकार के प्राणियों के लिए भर्ती निकली हुई है। लेकिन अब भाई इससे रिलेटेड एक सनसनीखेज खबर आ गई है जिससे आप लोगों को है मतलब कि समझो बहुत ही तगड़ा झटका लगने वाला है कि आरपीएफ के अंदर भैया जोन सिस्टम है खत्म हो गया है। ठीक है, जोन सिस्टम समझाऊंगा क्या था जिसकी वजह से कट ऑफ आप लोगों की बहुत ही कम जाया करती थी। ठीक है, और आप लोगों का इजीली सिलेक्शन हो जाता था। बहुत सारे बच्चे ट्रिक का भी इस्तेमाल करते थे जिससे जोन सिस्टम के द्वारा है उनका सिलेक्शन इजीली हो जाता था। अब कट ऑफ आपकी फिल्टर पार जाएगी। ठीक है, अब आपको हल्के में लेना, सारी की सारी प्रोसेस बताऊं, पूरी वीडियो को देखो तब ये जोन सिस्टम समझ में आया। फोरम के अंदर भी अब आपको ये गलती नहीं करनी, वरना फोरम के अंदर भी आप ये गलती करते। पांच आपको बेस्ट स्टडी टिप्स भी दूंगा भाई किस हिसाब से अब ये जोन सिस्टम खत्म होने बाद अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे पहले आपका एसएससीजीडी के अंदर, अभी एसएससीजीडी के अंदर नहीं होते, अलग अलग जोन, जैसे हरियाणा जोन की कट ऑफ अलग जाती है उसकी अलग, ये जोन सिस्टम ही आरपीएफ के अंदर था। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह आपको दिखाता हूं, देखो क्या कुछ मामला है। उससे पहले भाई अगर आप आरपीएफ की तैयारी करने लग रहे हो तो आपको पता है प्रैक्टिस सेट की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है। तो रेलवे के प्रैक्टिस सेट की बुक है भाई किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है आरपीएफ के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भाई 2018 से 19 जो टीसीएस पीवाईक्यू है उनको इसके अंदर शामिल किया गया है और प्रैक्टिस सेट की बुक निकाली गई है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने कांस्टेबल के लिए भी निकाली है, एसआई कांस्टेबल दोनों के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक है। 2019 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे वो भी इसके अंदर शुमार है। इसके अलावा भाई आप इनके क्या नाम है कांस्टेबल के लिए टीसीएस पीवाईक्यू 2019 के सोल्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के जो सोल्ड पेपर है उसकी बुक भी इन्हीं के द्वारा निकाली गई। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई आपका क्या नाम है एक और था इनका, एक सेकंड रुक जाओ भाई, और एक इनकी सब इंस्पेक्टर की भी प्रैक्टिस वर्क बुक है, यानी टोटल इन्होंने चार बुक निकाली, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस प्रैक्टिस वर्क बुक दोनों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है किरण पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी आरपीएफ की तैयारी करने लग रहा है या आप अपनी नजदीकी दुकान से भी इसको खरीद सकते हो जो भी इंटरेस्टेड। अब बात करते हैं जोन सिस्टम था क्या और उसके अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये देखो ये आज के अखबार के अंदर आई है और अभी जोन सिस्टम भी समझाऊंगा। देखो क्या है, जोन वार बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता, अभ्यर्थियों को किसी भी जोन में मिल सकेगी नियुक्ति। जोन वाला सिस्टम क्या था देखो आपको समझाता हूं एक बार के लिए। ये था भाई आपका इसके अंदर जोन वाला सिस्टम। भाई देखो इस जोन वाले सिस्टम के तहत क्या था, इसके अंदर जैसे ऐसे था रेलवे के अंदर अलग अलग जोन बनाए हुए थे। ठीक है, जोन कैसे बनाए हुए थे, जैसे मैं मान लिया आपका ग्रुप नंबर ए के अंदर साउथ रीजन, ठीक है, साउथ वेस्ट रीजन और साउथ सेंट्रल रीजन। साउथ रीजन का मतलब जो तमिलनाडु वाला इलाका है, ठीक है, और जो आपका कर्नाटक केरल वाला इलाका उसको साउथ रीजन यानी ग्रुप ए के अंदर शुमार किया गया था। सेंट्रल रीजन उसको ग्रुप बी के अंदर शुमार किया गया था। ईस्टर्न रीजन उसको ग्रुप सी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर आपका नॉर्थ रीजन जो अपना दिल्ली साइड एरिया, ये सारा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली राजस्थान वाला। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग जोन थे और इनके हिसाब से अलग अलग वैकेंसी आती थी मेल की फीमेल की, इस टाइप से भाई। ठीक है, लेकिन अब क्या था, इसका फायदा क्या होता था, इसका फायदा ये होता था कि जो कट ऑफ होती है ना वो कट ऑफ आपकी कम जाती थी जोन के हिसाब से। कैसे कम जाती, जैसे मान लो कि जोन नंबर मान लो डी है, डी के अंदर आपका नॉर्थर्न रीजन आता है। अब जोन नंबर डी के अंदर मेल की कट ऑफ देखो कितनी, मेल की जनरल की कट ऑफ देखो कितनी है जोन नंबर डी के अंदर, 1 2 3 4 चौथा वाला यही होगा, ये देखो 99.95 है। ठीक है, अब मान लो किसी जोन के अंदर कट ऑफ कम जाती है, एस्टीमेट लगा लेते हैं भाई बी वाले जोन के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ गई, जिस जोन से सेंट्रल रीजन के अंतर्गत आता है उसके अंदर क्या सबसे ज्यादा कट ऑफ गई 100 पर। ठीक है, और सबसे कम कट ऑफ इस जोन के हिसाब से किसके अंदर 74 वाले कट ऑफ गई है, यानी कि जोन नंबर किसके अंदर, जोन नंबर ई के अंदर। तो मैक्सिमम बच्चे अब क्या करते हैं, ऐसे सोचते कहीं पर मिल जाए नौकरी मिल जाए हमें कोई मतलब नहीं, कट ऑफ आ जाए मतलब दूर हो नजदीक हो, तो वो क्या जोन नंबर ई से फॉर्म भर देते थे। ठीक है, मतलब दूसरे इलाके से, और वहां पर कट ऑफ जाती थी और इस वजह से क्या है वहां पर उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो अब रेलवे ने ये चतुरता पकड़ ली, अब सेंट्रलाइज्ड तरीके से है आपकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, और अब ये जोन वाला सिस्टम खत्म कर दिया, अब आपका फॉर्म भरते समय भी अब आपसे कोई जोन नहीं भरवाया जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है, रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षक यानी कि जो एसआई के जो पद की भर्ती थी इसके अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया, इससे अभ्यर्थियों को परेशानी भी उठानी पड़ेगी, दिक्कतें भी होगी भाई। क्या होगी, रेलवे की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पदों पर जारी की गई अधिसूचना में इस बार जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड वार रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया जाएगा। मतलब अब जोन वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी किस जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल और एसआई की भर्ती की जाएगी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये भर्ती सेंट्रलाइज्ड तरीके से होगी, जैसे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक सिंगल कट ऑफ बनती है उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी। अभी तक इसकी कैसे बनती थी, जैसे आपके एसएससीजीडी के अंदर नहीं बनती, मान लो आपकी हरियाणा वाला रीजन है आपका, हरियाणा की अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, राजस्थान की अलग कट ऑफ जाती है, आपकी यूपी की अलग कट ऑफ जाती है, इस टाइप से इसी के
भी जो अलग अलग जोनों के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब वो जोन सिस्टम खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आपकी डायरेक्ट एक कट ऑफ बनी, जैसे आपकी सीजीएल की कट ऑफ बनती है, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बनती है, उस हिसाब से एक सिंपल कट ऑफ बने, यानी कट ऑफ अब आ ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी को एक ही जगह सेंट्रलाइज कर दिया है। अब एक तो बच्चे बंडे हुए थे, उस रीजन की कट ऑफ उतनी, उस रीजन की कट ऑफ उतनी, अब सभी की एक कॉमन जाएगी तो भाई कट ऑफ आ जाएगी। तैयारी हाई लेवल की करनी पड़ेगी, वरना पतन हो जाएगा, और वो भी जल्दी वाला। ठीक है, अब क्या है, अभ्यर्थियों को भर्ती, ये क्या हो गया, ये नीचे तो नहीं चल गया, ये अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए सीधे आवेदन करना होगा। ठीक है, पहले जोन के हिसाब से आवेदन करना होता था। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे की आवश्यकता अनुसार, ठीक है, जैसे जो भी रेलवे की आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से उनको पदों के ऊपर भेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जो कट ऑफ बनेंगे, जो हायर कट ऑफ पर है उनको अपने मन पसंदीदा रीजन के अंदर है उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। बाकी जिनके कट ऑफ, मतलब कि जो जिनके कट ऑफ से थोड़े कम नंबर है, भाई कट ऑफ के आसपास नंबर है, या तो देखो जिनके कट ऑफ से ज़्यादा आई है उनको तो अपनी मन पसंदीदा पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, और जिनके कम है बहुत ज़्यादा, जो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास डोलते हैं, उनको भाई दूर दूर जोनों के अंदर भगाया जाएगा। अब तक रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर पर रिक्त पदों का ब्यौरा है जारी किया जाता था। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के जोन में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे। वो ये देखते थे, हाँ कट ऑफ इसके अंदर कम गई, चलो मैं इसी जोन का फार्म भरूंगा। ठीक है, लेकिन अब ये सिस्टम क्या कर दिया, अब ये सिस्टम आपका बंद कर दिया है। लेकिन इस बार व्यवस्था बदल देगी, अब चयनित अभ्यर्थी को भर्ती के समय देश भर के किसी भी जोन में नियुक्ति दी जा सकेगी। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगी, भाई महिलाएं होंगी। ठीक है, इस सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगी, अभी महिलाएं हो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। ठीक है, अब तक महिला क्या थी, महिला अभ्यर्थी अपने हिसाब से जोन चुनती थी। भाई महिला ये सोचती थी, मैं नॉर्थर्न रीजन के अंदर रहती हूँ तो मैं नॉर्थर्न रीजन के हिसाब से एनआर जोन चुनूंगी। ठीक है, साउथ के अंदर रहती हूँ तो साउथ जोन चुनूंगी। लेकिन अब तो भाई सीधी एक सेंट्रलाइज्ड कट ऑफ बनेगी, अब महिला को कहीं पर भी भगा सकते हैं। जैसे मान लो नॉर्थर्न रीजन की है, तो क्या पता उसके कट ऑफ के हिसाब से उसके कम नंबर आए तो उसको साउथ रीजन के अंदर, मतलब कि जैसे हरियाणा की रहने वाली तो उसको केरल के अंदर ड्यूटी दे देंगे। और महिला को तो बहुत दिक्कत आती है भाई, इतनी दूर तक ड्यूटी करवाओगे तो। ठीक है, ताकि वे अकेली रहकर भी सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पाए, इस हिसाब से पहले वो जोन हिसाब से फार्म भरती थी। मगर उन्हें घरों से दूर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है, वही पुरुष अभ्यर्थियों को भी अपने घरों से दूर जाना पड़ेगा। अब ये जोन वाला सिस्टम भाई खत्म कर दिया है आरपीएफ ने, और इससे आप लोगों के ऊपर भाई देखो, एक तो कट ऑफ के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जाएगा फुल आई, क्योंकि पहले जोन के हिसाब से जाती थी, अब सारे जने भैया एक सबको एक ही कंसीडर किया, जैसे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की कट ऑफ जाती है ना, उसी टाइप से जाएगी। पहले कैसे होता था, जैसे एसएससी जीडी के अंदर सिस्टम है भाई, अलग अलग जोन के हिसाब से कट ऑफ बनती थी, अब वैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अब आपको जो टिप्स चाहिए, मैं टिप्स दे देता हूँ आप लोगों को, क्या टिप्स है पढ़ाई की, जो बेस्ट 5 स्टडी टिप्स हैं भाई जीके के लिए। आप अपने चैनल के ऊपर डेली रात को 8:30 बजे जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक भाई मैं स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी, जैसे आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, पहले स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 11-12 स्टैटिक जीके की क्लास, 13 स्टैटिक जीके की क्लासेस, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, हिस्ट्री की भी 14 क्लासेस हो चुकी हैं, 15 हो चुकी हैं। ठीक है, और अभी मिडवेल हिस्ट्री स्टार्ट करिए, परसों से आपके जो अरब के आक्रमण हो चुके हैं, 2 गुलाम, 1 गुलाम वंश और 1 खिलजी वंश हो चुके हैं। आज हम अगले वंश करेंगे और उसके बाद फिर मुगल वंश करेंगे, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ट्रिक के साथ याद करवाने की गारंटी मेरी, आप प्लेलिस्ट की पहली वीडियो चला के देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि सर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी है और पर्सन याद करवाने की गारंटी भी मेरी है। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको उस क्लास के अंदर बताए जाएंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है जीके के लिए, डेली रात को 8:30 बजे अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, बच्चे लाभ उठाने लगे हैं, आप भी जरूर लाभ उठाएं। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो। खैर, जो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, तो अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी पढ़ाई के ऊपर, यही आपको जानकारी देनी थी। ठीक है भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो। खैर, जो फटाफट।